अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूँ शेफ शिव गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल मशहूर टुआई एंड फैमिली रिव्यू। व्यूअर्स, आज मैं उंजा की एक ख़ास डिश बना रही थी। सोचा कि ये उंजा गिलगित बल्तिस्तान की एक ख़ास डिश है जिसका नाम है चापशरू। तो ये बहुत आसानी से बनती है और आप इसको चिकन जो है उसका कीमा है उससे भी बना सकते हैं, मटन और बीफ से भी बना सकते हैं। मटन और बीफ के लिए कीमा बॉईल करना पड़ता है पहले, और चिकन के लिए आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप उसमें मसाले वगैरह मिक्स करने के बाद आप उसको फिलिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखें व्यूअर्स, मैंने डो तैयार कर लिए। देखें कितनी सॉफ्ट और कितनी ज़बरदस्त डो तैयार है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से पेड़ा बना लेंगे। दो पेड़े बनाकर इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, इसको हमने बेल लिया है। इसको बेलने के बाद अब हम दूसरी बेलेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अच्छी तरह से बेल लिया है। अब हम इस पर ये जो फिलिंग हमने तैयार की है इसको फैला देंगे। वैसे तो चापशरों के लिए यह है कि सादा कीमा बॉईल करके उसमें जो स्पाइसेस हैं डालकर वो बना दिया जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें वेजिटेबल को थोड़ा मिलाकर इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाया जाए। तो मैंने इसमें वेजिटेबल भी ऐड कर दी हैं। इस तरह से ये फिलिंग तैयार कर लिए। अब हम इस फिलिंग को इस पर फैला देंगे। ये देखिए सारा जो है फिलिंग जो है उसको फैला देंगे। तो फैलाने के बाद हम इसके ऊपर जो दूसरी जो हमने रोटी बेल कर रखी है उसको इसके ऊपर रखेंगे। हम इस जो दूसरी रोटी बेल के रखी है उसको इसके ऊपर रख देंगे और उसको अच्छी तरह से रखें। तो दोनों को अच्छी तरह से इस तरह से मिला देंगे। उसे मिलाएंगे, पहले एयर निकाल लेंगे सारी, दबा दबा के एयर निकालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से। आप जो है इसके लिए रोटी का साइज़ जो है आप बड़ा भी कर सकते हैं। मुझे ये छोटा अच्छा लगता है तो मैंने सोचा इसमें बनाया जाए। इस तरह करने के बाद अब हम इसको इस तरह से उठाएंगे। इस तरह से करके उसको फोल्ड करते जाएंगे, बहुत प्यारा सा एक डिज़ाइन बन जाता है। मैंने दो तरह से डिज़ाइन इसमें बनाए, बहुत प्यारा लगता है। ऐसे डिज़ाइन बनाते जाएंगे आप। इसको आप देख लीजिएगा कि इसके जो साइड्स हैं वो अच्छी तरह से कवर्ड हो जाने चाहिए, ताकि ये देखिए दबा दबा के इस तरह से बनाते जाएंगे। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे, बहुत प्यारा सा ऐसे डिज़ाइन बन जाता है। मैंने पहले एक डिज़ाइन और आपको बताया, इस तरह से फोल्ड उसके कॉर्नर आपने खूबसूरती से खाली फोल्ड कर देने। तो इसको मैं आपको पका के दिखाऊंगी कि इसका लुक कैसा आता है। देखिए व्यूअर्स, पैन या तवा ले लें, उसको गर्म होने के लिए रख दें थोड़ी देर के लिए। मैंने पैन गर्म कर लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम जो रोटी बेल के रखी है उसको डाल देंगे। देखिए व्यूअर्स, इस तरह से रोटी डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे, एक तरफ से सेक लेंगे फिर दूसरी तरफ से सेक लेंगे इस तरह। देखिए व्यूअर्स, कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन हो गई है। ये एक तरफ से सेक गई है तो मैंने दूसरी साइड पलट दी। अब ये दूसरी तरफ से भी ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं उसको उतार लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आता है। देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार सा गिलगित बल्तिस्तान की जो डिश है ये चाप शुरू बन के तैयार है। इसको आप जो है रोटी की तरह भी पका सकते हैं। मैंने क्योंकि इसको थोड़ा न्यू मैंने का लुक देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा टेस्टी सा बनाने के लिए, ताकि बच्चे शौक से खाएं, बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। फिर मैंने इसको फ्राई किया। रियल में जो ये बनते हैं इसको रोटी की तरह पकाया जाता है सेक कर, तो वो मैंने नहीं किया, मैंने इसको शैलो फ्राई किया है। आप चाहे तो रोटी की तरह सेक के बना लें। मैंने इसको थोड़ा सा न्यू लुक देने के लिए इसको शैलो फ्राई किया है। देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है।
ये देखिए अंदर से ये जो हमने जो बनाए थे ये देखिए ज़बरदस्त गर्मा गर्म चॉप शोरो बन के तैयार है। और मैंने क़ीमे के साथ इसको वेजिटेबल के जो डालकर फिलिंग तैयार की थी उससे बहुत ही मज़ेदार बना है। मैं आपको इसको इस तरह से आप काट सकते हैं, ये देखिए कितनी आसानी से कट जाता है। आप चाहे छुरी से काट लें, चाहे तो आप इस तरह से इसको पिज़्ज़ा कटर से आप काट लें। काट के तो ये देखें बस कितना, ये देखें गुड लुकिंग और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें इस तरह से आप इसको स्लाइसेस में काट के खा लें, बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत टेस्टी बना है ये। इसको चटनी के साथ आप खाएं, केचप के साथ खाएं, ऐसा रूखा भी आप खा सकते हैं क्योंकि इसमें तमाम स्पाइसेस वगैरह इसमें हैं, तो ये बहुत मज़ेदार लगता है। इसको बनाएं, खाएं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।